हम लोगों ने ये प्रोग्राम कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो स्टूडेंट है क्लास 8 to 12 स्टूडेंट में जो पढ़ते हैं और वो लोग डर रहे हैं कि पुलिस बंदूक लेके बाहर बैठी है, हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है, तो हमारा भविष्य क्या है? हम लोग जन्मजात से क्या गुनहगार हैं? हम लोगों को हम लोग पढ़ नहीं सकते क्या? हमारे छारानगर में वकील है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर है, जर्नलिस्ट है, एक्टर है, आर्टिस्ट है, तो हम क्या चोर है क्या? तो हम कोई अधिकार नहीं है क्या? आज हमारे छारानगर में जो 26-27 तारीख की रात थी, वह रात को मैं वहाँ मौजूद था। बाकायदा झगड़ा दो लोगों के साथ में PSI मोरे साहब का हुआ था। दो लोगों ने उनकी गाड़ी पूछी गई, उनका लाइसेंस पूछा गया। उन्होंने कहा कि हम लाइसेंस लाके दे रहे हैं। अपने घर के आगे ही उसकी गाड़ी पड़ी थी। लाइसेंस लेने के बजाय उसको वापस बुलाया कि आपकी गाड़ी पुलिस चौकी पर ले लो, हम या ये गाड़ी पुलिस चौकी ले जाना चाहते हैं। मोरे साहब वहाँ प्राइवेट गाड़ी में, अपनी स्विफ्ट गाड़ी प्राइवेट गाड़ी में आए हुए थे और वहाँ तीन उनके साथ में दो पुलिस वाले और थे। वहाँ एक्चुअली ऐसा सीन हुआ कि वहाँ उनकी रज्जक हुई, लाइसेंस गाड़ी को ले जाने के लिए रज्जक हुआ, तो झगड़ा उन दो लोगों के बीच में था। लेकिन एक डेढ़ बजे के आसपास पूरे छारानगर को आधा अहमदाबाद की पुलिस, कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ पुलिस की, उन्होंने पूरे छारानगर में तहलका मचाया। Wow! सर अगर अथॉरिटी दी गई है तो सर आप हमको ये जो प्रेमबल दिल्ली में पढ़ी अभी भी बहुत बड़ी किताब है उसके अगर ऐसी अथॉरिटी की लाइन लिखी गई है तो वो पढ़ना हमको खोल के बताओ। जिस रात 26/7 को जो छारानगर पे ये घटना घटी, उस रात मैं भी वहाँ पर शामिल था और ये घटना को मेरे फादर जो प्रेस रिपोर्टर है वहाँ पर रोड के ऊपर फोटोग्राफी करने के लिए आए थे, उन पर भी पुलिस वालों ने काफ़ी लाठी चार्ज किया था और बहुत ही बेरहमी से उनको हाथ पर लाठी चार्ज करके उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया था। उसी साथ बाजू में एक वकील था, उन्हें भी बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। कि रात के 12, 12:30, 1 बजे लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं? सो ही रहे होंगे। घर में घुस घुस के पूरी पुलिस आर्मी ने घर के दरवाजे तोड़े। जिस दरवाज़ा आप खटखटाओगे तो ओबियस है कि कोई भी दरवाज़ा खोलेगा। दरवाज़ा खोला, उसको उसमें वो जो भी जिस उम्र का था, बच्चा था या औरत थी, या उसको मारा, पीटते पीटते अपनी गाड़ी तक ले गए और बंद कर दिया। इस तरह से हमारे 29 बंदों को हम लोगों ने बंद कर दिया। घर के बाहर जो भी व्हीकल था, 4-व्हीलर था, 2-व्हीलर था, कई लोगों के घर रिक्शा ऑटो रिक्शा पे चलते हैं, तकरीबन 25 से 30 ऑटो रिक्शा को तोड़ दिया। लेकिन लाइक एट्रोसिटी हुई पहले, बहुत भी हुई, लेकिन इस लेवल की मास अटैक पहली बार। हाँ, ये सब ये मारा, हमारे को लकड़ी से मारा। बेगुनाह लोगों की गाड़ियाँ क्यों तोड़ी है? वो तो ना पैसे हमारे भरेंगे। और मोरिये साहब को हमने बोलते हैं कि 150 लोगों ने मारा है, तो क्यों वो खुलेआम खड़े जाओ ना, एडमिट हो ना, वो एडमिट भी नहीं हो रहे और खुलेआम खड़े हैं और बोल रहे हैं कि छारा लोगों ने उनको मारा है। हम इतने एजुकेशन है, हम पढ़ते लोग हैं, डॉक्टर से एडवोकेट है। मैं पहुँचा तो फिर से मैंने पुलिस वालों को रोका कि भैया आप क्यों गाड़ी तोड़ रहे हैं? हम कोई मुकली घर नहीं है, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ। मैंने इतना ही पूछा उनसे तो तुरंत ही मुझे मारने लगे और मारते मारते मुझे माफे में गालियाँ भी हुई और पूरे मेरे जो कपड़े थे वो कपड़े मुझे फाड़ दिए। मेरे घर से लेकर मारते मारते यानी करीबन 5-6 पुलिस वाले थे, मारते मारते मुझे यहाँ तक लेकर आए, फिर यहाँ भी मुझे मारा इसी लाइब्रेरी की बिल्कुल सामने, और यहाँ से फिर और पुलिस उनके साथ जुड़ गई, फिर यहाँ से मारते मारते फिर मुझे आगे लेकर गए, तो आगे जो 4 रास्ता है वहाँ गाड़ी खड़ी की थी उन्होंने मोबाइल फोन, तो वहाँ जाकर मुझे बिठा दिया उन्होंने। तो वहाँ भी उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि भाई सर मुझे मेरी गलती बता दी कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है। जैसे मैं सवाल कर रहा था बदले मुझे मार पड़ रहा था। पुलिसों के सामने हम क्यों बोल रहे हैं? हम एजुकेटेड है इसके लिए हम पुलिसों के सामने बोल रहे हैं। पुलिस बोलते हमारी रक्षा करे, क्या रक्षा करे? ऐसे मार मार के बच्चों के सामने तुम घर के अंदर लोगों को पकड़ के तुम मार रहे हो, तो वो पुलिस क्या रक्षा हमारी कर रहे हैं? मेरा डिक्की चेक किया कि मैं शराब वगैरह तो नहीं लेके जा रही, मतलब ये मेंटेलिटी इच्छा रहा है तो बस यही काम कर रहा है, ये एक मेंटेलिटी है।
तो ये कहीं ना कहीं जो ये पूरा प्लानिंग के साथ पुलिस वालों ने किया है, और जितनी भी पुलिस थी वो सारे के सारे शराब पी हुई है। जो ये जन्म से गुनहगार का लगा जो धब्बा है वो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है पुलिस के साथ, क्योंकि ये पहला किस्सा नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों को उठा के लेकर गए हैं यहाँ से, और उठाकर पुलिस ने गलत केस में डाल दिया। तो बेसिकली ये कि तो यहाँ लोग जो गुनहगार हैं तो वो गुनहगार जो है वो सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जो गुनहगार जो नहीं है वो भी लोग हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने आवाज़ उठाई। हमारी कुछ लड़ाई इस तरह से है, और हमारी मांग ये है कि जो अशोक यादव है उन पे एक्शन लिया जाए, उनके आदेश पे ये सब मंजर खड़ा किया गया है। PSI मोरे साहब यहाँ के PI उनको सस्पेंड नहीं लेकिन डिसमिस किया जाए, और यादव साहब को सस्पेंड किया जाए, श्री माली पे भी एक्शन लिया जाए। Thank you.